बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में, तो जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, यह समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका मन प्रसन्न रहेगा, योजनाएं सफल होंगी, माली हालत आपकी बहुत अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, संतान सुख मिलेगा, विदेश यात्रा का योग बन रहा है, आयात निर्यात से आज आपको लाभ मिलेगा। तो आज आप अकारण आपका मन तनाव में रहेगा, तो पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव सोचने से बचने की जरूरत है, क्योंकि नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी इफिशियंसी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। तो बेहतर है कि आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, पॉजिटिव रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यक्ति को राजयोग होता है और व्यक्ति बहुत अच्छा लेखक होता है, साहित्यकार होता है, साहित्यिक अभिरुचि उसकी होती है, और ओरेटर बहुत अच्छा होता है, डिबेटर बहुत अच्छा होता है, और कहानीकार बहुत बड़ा होता है, पोएट बहुत अच्छा होता है, अगर फिल्म बनाता है तो बहुत अच्छा फिल्मकार होता है, निर्देशन का कार्य वो बहुत अच्छा से करता है। और आपका चंद्रमा जो है बैठा हुआ है छठे भाव में वृश्चिक राशि का, तो जब छठे भाव में चंद्रमा बैठे तो आज आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेटर बहुत बढ़ेंगे, गुप्त शत्रुओं की संख्या बहुत बढ़ेगी, जिनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अपने लक्ष्य के प्रति लग जाइए, क्योंकि आपका जो ये शनि है सप्तम हाउस में, ये आपको काफ़ी नेम फेम सम्मान देता है, तो शत्रु आपके कोई कुछ कर नहीं पाएगा। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर आज आप नियंत्रण रखें, किसी के बहकाव में ना आए, और उपाय क्या कर रहा है, भगवान शिव का गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें आपके लिए अच्छा रहेगा, शिव जी को मदार का पुष्प अर्पित करें आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक एक है, शुभ रंग नीला है, लक मीटर 7 है। हरे कृष्ण।